माननीय सीपी सर, माननीय एडिशनल सीपी सर, माननीय हमारे डीसीपी क्राइम साहब, एसीपी क्राइम साहब, उन्होंने जो हमें इंस्ट्रक्शंस दिया है कि जो मोटरसाइकिल चोरी के जो केसेस है वो डिटेक्ट होना चाहिए, उसी के लिए हमारी जो टीम है, सेंट्रल क्राइम यूनिट की टीम है, हम लोगों ने पूरी मेहनत से सब ऐसे कौन से केसेस है और कहाँ कहाँ पे केसेस हुए है उसका हम लोगों ने एक स्टडी किया, एनालिसिस किया। हमारे जो पुलिस हेड कांस्टेबल है शिवाजी पाटिल, उनको एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि विरार साइड में ऐसा ही एक सस्पेक्टेड है कि जो चोरी के केस के जो व्हीकल्स है उनके यहाँ पे मिल सकते हैं। वो इन्फॉर्मेशन हमें हम लोगों ने वर्कआउट करने के बाद एक जो सस्पेक्टेड इस पर्सन था उसको हम लोगों ने ताबे में लिया और उसके पास से हम लोगों ने एक टोटल 9 रिक्शा, 2 मोटरसाइकिल और एक मोबाइल, इतना 6,88,500 रुपये का माल हम लोगों ने हस्तगत किया है। ये तो अभी फिलहाल तो हम लोगों ने एक व्यक्ति को हम लोगों ने ताबे में लिया है, उसको अरेस्ट किया है और आगे की हमारी जो कानूनन कार्रवाई है वो चालू है। इसके खिलाफ एक नौपाड़ा पुलिस स्टेशन थाना शहर का है, थाने सिटी का एक पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ केस रजिस्टर है और इसके और कुछ रिकॉर्ड प्रीवियस उसका है क्या, वो लोग हम लोग मालूमत कर रहे हैं। मैं यही पब्लिक को अपील करना चाहता हूँ कि जो आप रिक्शा मोटरसाइकिल जो पब्लिक प्लेस पे या रास्ते पे पार्किंग करके रखते हैं तो ऐसे जगह पे नहीं रखना चाहिए। एक तो आप रिक्शा और व्हीकल्स जो भी मोटरसाइकिल रहेंगे वो आप सुरक्षित और सेफ जगह होगी वहाँ पे रखना चाहिए, या ऐसी जगह होना चाहिए कि जिस जगह पे वो जगह सब सीसीटीवी के अंडर कवर होना चाहिए। तो ऐसे अगर कोई मामले या ऐसे वारदात होती है तो तुरंत उसका हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो पब्लिक को मैं यही बोलूँगा कि सुरक्षित और सीसीटीवी जिस जगह पे रहेंगे वहाँ पे आप आपके व्हीकल्स पार्क करेंगे तो वो सेफली रह सकते हैं। धन्यवाद।